नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको होजरी कपड़े में सिलाई कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ। होजरी कपड़े में हम सिलाई करते हैं तो जहाँ से हम सिलाई करते हैं वहाँ से हमारा कपड़ा फटते जाता है, इसलिए हम इसको नॉर्मल सिलाई मशीन से सिलाई करते समय हम ऐसे पेपर की पतली पतली हम कटिंग्स काट लेते हैं। ऐसे पेपर रख के सिलाई करने से होजरी कपड़े में आसानी से सिलाई हो जाती है। ये देखिए, और जिस कपड़े में हमको सिलाई करना है, ये देखिए, हमको पहले उसमें ऐसे निशान लगा देना है जहाँ जहाँ पे हमको सिलाई करना है। जैसे हमको इस कुर्ती में फिटिंग देना है तो फिटिंग देने के लिए हमने ये निशान लगा के रखे यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से हमने इस कुर्ती में निशान लगा के रखा है। अब हम इसके ऊपर, ये देखिए पेपर की ये कटिंग है, जहाँ पे हमको सिलाई करना है इस पेपर को हम वैसे ही रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे, पेपर की पतली पट्टी को हम बीच में रखते हैं ताकि हमको सिलाई करने में आसानी होती है। ये देखिए, जहाँ पे हमारा ड्रॉ किया हुआ हमने निशान लगाया है वहीं पे हम ऐसे पेपर को रख लेते हैं और हम सिलाई करते चले जाते हैं। इससे हमारी सिलाई में धागे भी नहीं छोड़ती है मशीन और आसानी से हमारा कपड़ा भी नहीं फटता है। इस तरह से हमारी अगर कागज़ की एक पट्टी ख़त्म हो जाती है तो हम ये दूसरी पट्टी ऐसे काट काट के रख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको उस पट्टी के ख़त्म होने के पहले ही उसके ऊपर हम ये पट्टी को रख लेते हैं और इस तरह से हम उसको अगर आप डबल सिलाई करना चाहें तो इसी पेपर के ऊपर ही हम डबल सिलाई भी कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से देखिए हमने पूरी सिलाई लगा ली है। अब हम इस पेपर को ऐसे करके फाड़ के निकाल देते हैं। इस तरह से देखिए हमारी कहीं भी सिलाई छूटी हुई नहीं रहती है और ना ही कपड़ा यहाँ से फटता है। इस तरह से आप होजरी कपड़े में सिलाई कर सकते हैं पेपर रख के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।